शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को आलानिया बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी मुआफ करने वाला है, साहिब कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके पैगंबरों में फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते, और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फर्क न किया यानी सबको माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा, और अल्लाह बख्शने वाला है बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरखास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ, तो ये मूसा से तो इससे भी बड़ी बड़ी दरखास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे हमें अल्लाह को जाहिर यानी आमने सामने दिखा दो, सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा, फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, तो उससे भी हमने दरगुजर की, और मूसा को हमने खुली सनद दी थी, और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और यह भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज यानी हुक्म के खिलाफ न करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला, तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको मरदूद कर दिया, और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाती हैं। और उनके कुफ्र के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे कत्ल कर दिया है, अल्लाह ने उनको मलून कर दिया, हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वो कयामत के दिन उन पर गवाह होंगे। बस हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीजा चीजें जो उनको हलाल थी उन पर हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे, और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं, वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह और रोजे आखिर को मानते हैं, तो उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी, और दाऊद को हमने जबूर भी इनायत की थी, और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान नहीं किए, और मूसा से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह ने जो किताब तुम पर नाजिल की है उसकी निस्बत अल्लाह गवाही देता है कि उसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाह तो अल्लाह ही काफी है।
जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़े। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हाँ सिवाय दोजख के रास्ते के, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। लोगों, ये पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो इन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर कुफ्र करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो, और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा बस अल्लाह के रसूल ही थे, और उसका खास हुक्म थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि खुदा तीन है, इस एतकाद से बाज आओ कि ऐसा करना तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है, और इससे पाक है कि उसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिबे आर समझे और सरकशी करे, तो अल्लाह सब लोगों को अपने पास जमा कर लेगा। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वो उनको उनका पूरा पूरा बदला देगा, और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आर और इनकार और तकब्बुर किया, तो उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और कोई मददगार न पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक बड़ी दलील आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ राह रोशन करने वाला नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा, और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि अल्लाह कलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद न हो और न माँ बाप, और उसकी एक बहन हो, तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर बहन मर जाए और उसके औलाद न हो, तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा। और अगर मरने वाले भाई की दो बहनें हों, तो दोनों को भाई के तरके में से दो तिहाई, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों, तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। ये अहकाम अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, अपने मुआहिदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल कर दिए गए हैं, बजुज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल न जानना। अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है। मोमिनों, अल्लाह के नाम की चीजों की बेहुरमती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो अल्लाह की नजर कर दिए गए हों कि जिनके गलों में पट्टे पड़े हों, और न उन लोगों की जो हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों, अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार बने हुए। और जब एहराम उतार दो, तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो। और कुछ लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तआवुन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुअर का गोश्त, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुट कर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले जबा कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर जबा किया जाए, और ये भी कि पासों से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह के काम है।
आज काफिर तुम्हारे दीन से ना उम्मीद हो गए हैं तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हाँ, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीजा चीजें तुमको हलाल हैं और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो, और जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो, तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीजा चीजें हलाल कर दी गईं और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल है, और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका मेहर उन्हें दे दो, और निकाह से इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न कि खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। मोमिनों, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्त किया करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसाह कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाया करो, और अगर बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो फिर तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो, और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद रखो और उसके अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल किया, और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना कर दे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है, और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, और अल्लाह से डरते रहो, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे, और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम नमाज पढ़ते और जकात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफर किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। बस उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देती हैं और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे, और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम इनकी एक न एक खयानत की खबर पाते रहते हो, सो इन्हें मुआफ रखो और इनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनमें कयामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया, और जो कुछ वो करते रहे अल्लाह अनकरीब उनको उससे आगाह कर देगा। ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देती हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देती हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है
जिससे अल्लाह अपनी रजा पर चलने वालों को सलामती के रस्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रस्ते पर चलाता है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्न मरियम है, वो बेशक काफिर है। उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्न मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है, और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे, और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है, और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐ अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनकते रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर अल्लाह ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। ए भाइयों, तुम अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, दाखिल हो चलो, और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, और जब तक वो सरजमीन से निकल ना जाएं हम वहां जा नहीं सकते। हां, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से दो शख्स जिन पर अल्लाह की इनायत थी कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो, फिर जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है, और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जाने के। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने ना पाएंगे। ये इसी इलाके में जहां अब हैं सरगर्दां फिरते रहेंगे, तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। और ए नबी, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाहे इलाही में एक एक न्याज पेश की तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोजख में से हो जाए, और जालिमों की यही सजा है। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया, फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पेशेमान हो गया। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं।
یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے، اور اللہ زبردست ہے، صاحب حکمت ہے۔ پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے؟ جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد دور لے جاتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے بچنا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا روگردانی کر لینا، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ اب جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے،
और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा। और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और उनसे मोहतात रहना कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका ना दे। अब अगर ये न माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके बाज़ गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं ही। बस क्या ये जमाने जाहिलियत के से फैसले के ख्वाहिशमंद हैं? और जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा? ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखोगे कि वो उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए, सो करीब है कि अल्लाह फतह भेजे या अपने हाथ से कोई और अम्र नाजिल फरमाए। फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पेशेमान होकर रह जाएंगे, और उस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? उनके अमल अकारत गए सो वो खसारे में पड़ गए। ऐ ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही है जो नमाज पढ़ते और जकात देते और अल्लाह के आगे झुकते हैं, और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा, और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं, और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं। कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं, और जिन बातों को ये छुपाते हैं अल्लाह उनको खूब जानता है, और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं, भला इनके मशायख और उलमा इन्हें गुनाह की बातें कहने और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है, इन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने के सबब इन पर लानत हो। असल यह है कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ऐ नबी, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी कयामत के दिन तक डाल दी है। जब कभी इन्होंने लड़ाई की आग जलाई अल्लाह ने उसको बुझा दिया, और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह दूर कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते, और अगर वो तौरात और इंजील को
اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو ان پر رزق میں کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں اور عمل نیک کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔